तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस वक्त वो सूरत में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है और इसका लाभ यहां हर व्यापार कारोबार को हो रहा है। भाइयों और बहनों, पिछले 20 वर्षों में सूरत ने देश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति की है, तेजी से प्रगति की है। आज हम अक्सर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत का गर्व से जिक्र करते हैं, लेकिन ये सूरत के लोगों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवनदान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली है। आज भाकर और भामरौली में नई कैपेसिटी जुड़ गई है। यहां जिन साथियों को काम करते हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वो इस बदलाव के बहुत बड़े साक्षी हैं। बीते वर्षों में सूरत में झुग्गियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इन 2 दशकों में यहां गरीबों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए करीब करीब 80,000 घर बनाए गए हैं। सूरत शहर के लाखों लोगों के जीवन स्तर में इससे सुधार आया है। साथियों, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और घर बनाने में भी तेजी आई है और सूरत के गरीबों, मिडिल क्लास को दूसरी अनेक सुविधाएं भी मिलने लगी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अभी तक लगभग 4 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें 32 लाख से अधिक मरीज गुजरात के और लगभग 1.25 लाख मरीज ये मेरे सूरत के हैं। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी ठेले पर काम करने वाले देश के लगभग 35 लाख साथियों को अभी तक बैंकों से बिना गारंटी का सस्ता ऋण मिल चुका है। अभी शायद आपने दुनिया में बहुत जाने माने दानवीर बिल गेट्स का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, एक लेख लिखा है, उसमें इन साथ उन चीजों का उल्लेख किया है उन्होंने। साथियों,
इसमें गुजरात के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को और सूरत के करीब 40,000 साथियों को इसकी मदद मिली है। साथियों, सूरत शहर के पश्चिमी हिस्से रांदेर, अड़ायण, पाल, हजीरा, पालनपुर, जहांगीरपुरा और दूसरे क्षेत्रों में आज जितनी चहल पहल दिखती है वो 20 साल के अखंड एक निष्ठ परिश्रम का परिणाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में तापी पर आज दर्जन भर से ज्यादा पुल है जो शहर को भी जोड़ रहे हैं और सूरतवासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस तरह की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वे सभी सूरत की इस भी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सूरत पावरलूम मेगा क्लस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का, पावरलूम मेगा क्लस्टर उसकी स्वीकृति दे दी है। और इससे सायन हो, उल्पाड़ हो, इन क्षेत्रों में पावरलूम वालों को जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं कम होगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। साथियों, सूरती लोगों की खासियत है, सूरती लाला इन्हें मौज कराया वगैरह न चाले। अने बार थी आवनारो मानस पर जोत जोता बा सुरती लालाना रग्या रग्या आई जाए। अने हूं तो कांची नो एमपी छू एटले लोको रोज मने संभळावे सूरत नु जमण कांची नु मरण। अने सांज पड़ी नथी के ताप्ती नदी ने आसपास ई इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुप्त उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल और कॉरपोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरतवासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी, उठने बैठने सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाइयों और बहनों,
एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती है, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। भाई और बहनों, व्यापार कारोबार में लॉजिस्टिक का कितना महत्व होता है ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। गोगा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोगा और हजीरा के बीच रोरो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते गोगा और हजीरा के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इससे वजह से जहां पहला गोगा से हजीरा आने जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। हम फेरी की वजह से भावनगर, अमरेली और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से सूरत आए लोगों को बहुत लाभ होगा। अब परमानेंट टर्मिनल तैयार होने के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट खुलने की संभावना बढ़ी है। इससे यहां के उद्योगों को, किसानों को पहले से ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से कांची के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है।
तो सूरत से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। गुजरात को लेकर के किस तरीके से आगे की तैयारी है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, सारी बातें साझा कर रहे थे पीएम। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे हिंदुस्तान।